चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानून बनाना हुकूमत का काम है और अदालतें इन पर अमल दरामद कराती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा में सिविल सर्वेंट एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक केस पर समाअत की। सरकारी मुलाजमीन के वकील का कहना था कि सिविल सर्वेंट एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र 55 साल कर दी गई। 25 साल की सर्विस पर रिटायरमेंट का कानून ख़त्म कर दिया गया और असेंबली में किसी को सुने बगैर और बिना बहस किए बिल मंजूर किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जब रोटी पक चुकी तो ये पूछना बेकार है कि आटा कहाँ से आया। अगर किसी को असेंबली की कार्रवाई पर एतराज़ है तो असेंबली में जाकर शिकायत करे। जस्टिस एजाज उल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी में किसी किस्म का मौकफ सुनने का तसव्वुर नहीं है। जब कानून पर गवर्नर के दस्तखत हो गए तो मामला ख़त्म हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चंद सिविल सर्वेंट्स के तहफ़ुज़ात पर कानून तो गलत करार नहीं दिया जा सकता। सिर्फ वजाहतों से कानून चैलेंज नहीं होते, कानून बनाना हुकूमत का काम है, अदालतें इस पर अमल दरामद करवाती हैं। कानून आइन के तहत बनता है, रूल्स ऑफ बिजनेस से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देते हुए मामला दोबारा फैसले के लिए अदालत आलिया को वापस भिजवा दिया। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया कि पिशावर हाई कोर्ट कानून के मुताबिक केस का फैसला करे। असलान नबील, ब्राइट स्टार टीवी, पाकिस्तान।